हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। तो मेरा नाम रोहित गर्ग है, मैं करंटली ESI में वर्किंग हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने SSO के बारे में, ESIC SSO की पोस्ट के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था, वैकेंसीज नोटिफिकेशन और उसका वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहेगा, एग्ज़ाम लेवल क्या रहेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ESIC UDC के बारे में। तो ESIC UDC की जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बहुत से डाउट्स चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका जो पैटर्न, इसका जो एग्ज़ाम है वो SSC कंडक्ट करवाएगी, कुछ कह रहे हैं IBPS करवाएगी। जैसे कि लास्ट ईयर इसका IBPS ने कंडक्ट करवाया था, 2021 में इसका नोटिफिकेशन IBPS ने दिया था। बट अभी जो बहुत से लोग ऐसे बता रहे हैं, तो इसके लिए मैंने, बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कन्फर्म करने के लिए, तो मैंने इसके बारे में पूछा भी। तो इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन एक मिला है कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे कुछ फाइनल ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। बिना ऑफिशियल के मैं आपको कुछ भी बोलूँ वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कुछ फाइनल होता है मैं खुद आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। SSO का मैं बता रहा हूँ, UPSC कंडक्ट करवा सकता है। तो इसका जैसे कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आगे बात करते हैं, अगर IBPS कंडक्ट करवाता है तो इतने किस वैकेंसीज की बात करें तो मोस्टली जो SSC कंडक्ट करवाए, IBPS करवाए, इसकी वैकेंसीज अराउंड 2000 के रहने वाली हैं। मे बी ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट लगभग इतनी ही रहेंगी। तो वैकेंसीज का हो गया, तो स्टेट वाइज इसकी वैकेंसीज आती हैं, स्टेट वाइज आपको अप्लाई करना, अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज आती हैं। तो एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम लेवल रहता है आपका क्लर्क लेवल का रहता है। इसमें एग्ज़ाम ज़्यादा हाई नहीं आता है। रीजनिंग मैथ जो है क्लर्क लेवल की रहती है, वो भी ज़्यादा हाई नहीं रहती हैं। आप फुल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। और इसमें पैटर्न की बात करें तो इसमें जो प्री लेवल था उसमें GK भी आई थी और मैथ रीजनिंग और इंग्लिश आया था, बट वो इतना हाई लेवल का नहीं था, नॉर्मल था। और GK में मिक्स आई थी, GK स्टैटिक भी आई थी और करंट भी आई थी। तो आपको मैं बता दूं कि स्टैटिक जो पार्ट रहता है, जो स्टैटिक पार्ट रहता है वो इतना ज़्यादा हाई भी नहीं रहता। उसका नॉर्मल जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं उसके टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे हाउ मनी जजेस आर देयर इन हाई कोर्ट्स, एंड देन प्रिंसिपल का साइंटिफिक एडवाइजर कौन है इंडिया का, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो करंट अफेयर का पोर्शन भी रहता है और स्टैटिक भी रहता है। बट जो मेंस था उसमें भी यही सब्जेक्ट से, GK, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। बट जो एग्जाम लेवल था मैंने आपको बोला क्लर्क लेवल का रहेगा। तो इसमें जो GK आई थी उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स आए थे, तो इसमें ज़्यादा पोर्शन करंट अफेयर का रहा था। बट इस बार जो अगर एग्जाम कंडक्ट IBPS करवाता है तो इसका मोस्टली आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स ज़्यादा पोर्शन रहेगा हर बार। तो करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो और मैथ रीजनिंग का आपका इतना इजी आएगा कि आप फुल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं उसमें। तो आपका बैंकिंग पैटर्न पे रहेगा। तो इसके मेंस क्लियर होने के बाद आपका जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट होने के बाद, स्किल टेस्ट भी एक नॉर्मल सा रहता है। वर्ड में आपको कुछ फाइल्स वगैरह बनानी रहती हैं, और क्लियर होने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। और इसमें जैसे सिलेक्ट होने के बाद आपकी पोस्टिंग्स की बात करें तो पोस्टिंग आपको इसमें जो ESIC में रीजनल ऑफिसर्स रहते हैं, सब रीजनल ऑफिस रहते हैं और हॉस्पिटल्स रहते हैं। तो आपकी पोस्टिंग RO में भी हो सकती है, SRO में भी हो सकती है और हॉस्पिटल्स में भी हो सकती है। अगर हॉस्पिटल्स में होती है तो आपका जो सैटरडे हाफ डे रहता है, और RO में, SRO में सैटरडे भी आपको लीव मिलता है और संडे का तो लीव रहता ही है। तो और टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हॉस्पिटल्स में टाइमिंग जो है 9 से 4 PM तक रहती है। तो यही था पोस्टिंग के बारे में। इसमें ट्रांसफर्स जो हैं, अगर आप किसी और स्टेट में सिलेक्ट होते हैं तो आपने स्टेट में आने के लिए आपको 3 साल या 2 साल मिनिमम आपको वेट करना पड़ता है। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप IRT के द्वारा आप अपने स्टेट में जा सकते हैं प्रेफरेंस देकर। और इसमें जो मेन वर्क लाइफ बैलेंस का लोग पूछते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है ESI में, तो मैं आपको बता, इसी ESI में सबसे बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप किसी अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं ESIC UDC में काम करते करते।
और अगर आप नहीं भी करते तो पर्सनल लाइफ भी आप एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बेस्ट है ये सही में। बट अगर प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस थोड़ा सा स्लो है इसमें ये सही में। बट अगर आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और सैलरी अच्छी सैलरी के साथ अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करना है तो ये बेस्ट है ये सही। और इसमें सैलरी की बात करें, अगर ये पार्ट सबको पसंद है और सब जानना चाहते हैं कि सैलरी में कितना मिलता है अगर हम ज्वाइन करते हैं ESS UDC में, तो अप्रोक्स आपको ग्रोस जो आपका रहता है 50,000 के अराउंड आपका ग्रोस रहने वाला है ESIC में। तो सैलरी अच्छी खासी है और वर्क लाइफ बैलेंस है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। अगर IPPS कंडक्ट करवाता है तो जरूर आपका, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। अगर SSC भी कंडक्ट करवाता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप SSC का भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जस्ट GK एक्स्ट्रा है। तो SSC के अगर होता है तो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको उसके लिए अपडेट कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ जो भी अपडेट है वो IBPC ही है, IBPC कंडक्ट करवाएगा। बट अगर कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अभी मैंने पूछा हुआ है कुछ लोगों से तो वो थोड़े दिनों में फाइनल बता देंगे। तो यही था सब, और कुछ भी अगर SSO के बारे में जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, और कुछ भी आपके और डाउट्स हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अपनी तैयारी जो करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।